छींटे आ गए ना। ये 18 साल का लड़का है सामने, ये खाना भी बना सकता है, ये साइकिल भी बढ़िया चलाता है, इनके लिए एक वधू की तलाश है। बहुत अच्छा, बहुत भारी है साइकिल। आप चला सकते हो इसको लेके जोजिला को। मैं आ चुका हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल के पास और अभी सामने की तरफ है इसका गेट। आपको अंदर चल के दिखाऊंगा क्या ऐसे ऐसे अंदर कुछ सीन है। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, मैं मोहित यात्री, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो भाई अभी बजे सुबह के 6:30 और आज जल्दी उठ चुके थे और भाई कल रात ऐसी जगह रुके थे ना, मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको कहाँ पे रुके हैं। और यहाँ पे ना लेवेट और भालू का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और कल रात ठंड इतनी थी ना, मैं जैकेट पहन के सो गया भाई स्लीपिंग बैग के अंदर और कंबल भी लगा दिया अलग से। और किशोर भाई का तो अलग से भाई -डिग्री का वो मिला था स्लीपिंग बैग। मज़ा आ गया भाई सोने में, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, सर्दी नहीं लगी ना कि बीच में यार, गर्मी लग रही थी। तब भी गर्मी लग रही है भाई, नहाने जा रहा हूँ ठंडे पानी से। अच्छा अभी एक घंटे में मौसम खराब वाला ब्रेकफास्ट आ चुका है सुबह सुबह, अभी करते हैं इसको। ये देखो भाई मौसम बिल्कुल खुल चुका है और रात हमने यहाँ स्टे किया था इसके अंदर। और ये देखो भेड़ बकरियाँ, मौसम मस्त वाला हो चुका है। और मैंने अभी डबल डबल जैकेट पहन लिया ठंड के लिए, क्योंकि ठंड हो रही थी ज़्यादा इस चक्कर में यार। कोई नहीं, अभी हो चुका है निकलने का समय यहाँ से। और जो आप ये देख रहे हो ना, ये जोजिला मेमोरियल है, ये पूरा जितना भी एरिया देख रहे हो जोजिला मेमोरियल है भाई। और आगे आगे जैसे मैं जाऊँगा ना, ये जो पहाड़ हरे भरे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, सूखे पत्थर वाले पहाड़ दिखेंगे। और उधर की तरफ आप जो देख रहे हो ना, वो प्राचीन शिव मंदिर है भाई, बहुत ही पुराना। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, अभी बच्चों के 10 निकलते निकलते यार, और निकलते हैं यार अभी, सब टाइम से पहुँच जाएंगे आज, द्रास पहुँचने का वो है। और ये वाली पहाड़ी देखो यार कितनी खूबसूरत लग रही है, और साइड में ये रिवर, इस रिवर का पानी बहुत ही बहुत ज़्यादा साफ है, देख लो यार कितना चमक रहा है। मज़ेदार वाली हवा चल रही है, बिल्कुल साइकिलिंग करने में मज़ा आ रहा है यार। ये देखो परमिशन नहीं थी, फिर भी मिल गई यार रुकने की परमिशन। और रात भी ज़्यादा हो गई थी, ठंड इतनी पड़ रही थी, अगर वैसे में अगर मैं कहीं टेंट वगैरह लगाता ना तो लेवट और भालू का बहुत ज़्यादा खतरा था, भालू रात में आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चक्कर में, और इसलिए मैं वीडियो भी नहीं एंड कर पाया यार रात में, बट कोई नहीं। और आप ये देखो भाई, पहले भाई जो सामने का व्यू है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कुछ सीन किसी कोई फोटो वोटो एडिट करके रख रखी हो भाई, पूरा ऐसा लग रहा है। भाई सही बताऊँ ना, ऐसे ऐसे सीन ना मैं टीवी में देखता था और यूट्यूब पे वीडियोस पे देखता था, और आज रियल में देख रहा हूँ यार। ओ भाई
अब आ रहा है मजा बहुत ज्यादा। साइकिल इतनी स्पीड में है ना भाई साहब, बहुत तेज। ये देखो प्रकार है, हेलो भाई, वेलकम टू डिप्लोमेंट अथॉरिटी कारगिल। कारगिल में एंटर हो जाएंगे, 84 किलोमीटर है और आज द्रास तक का आज 25 किलोमीटर है। द्रास अगर बिल्कुल एक्सट्रीम रोड रहा तो द्रास से भी आगे जा सकते हैं। और ले यहाँ से 313 है यार भाई, ले का बॉर्डर तो लग गया। और अभी यहाँ पे सामने एंट्री करवानी पड़ेगी, नाम वगैरह लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो कितने सारे राइडर वगैरह हैं, बाइकर्स हैं, ये भी ले की तरफ जा रहे हैं। और ले में तो तुम्हारा भाई एंटर हो ही चुका है, यहाँ पे सर ने भी साइकिल लुकवाई है, बोल रहे हैं यहाँ पे एंट्री वगैरह कराओ। अभी किसी और को भी रोकना पड़ेगा, वो भी आ रहा है और आकर्ष आगे निकल चुका है। ये देखो भाई यहाँ का व्यू क्या कुछ इस तरीके का है, हरियाली तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गंजे गंजे पहाड़ आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ मडियान विलेज में। और यहाँ पे जो विलेज है ना, यहाँ पे ये जो देख रहे हो दो चार ही घर हैं ये, और पीछे तक वह कुछ नहीं है। ये कम से कम आपको 10 से 15 किलोमीटर आगे आने के बाद मिलेगा, और इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर। चलते हैं भाई, आकर्ष आगे निकल गया था। द्रास तो कम ही रह गया होगा यहां से, 20 ना? अरे बहुत आराम से यार, आज द्रास रुकेंगे फिर या कारगिल? अच्छा मजा आ गया था ना उतरने में वहां से पूरा। किस और बता क्या कह रहा है, कह रहा 200 की स्पीड से लेके आया था मैं। भाई मैं तो आराम से लेके आया था, ऑफ रोड था ना, ऑफ रोड था एक तो यार। भाई ऐसा YouTube वगैरह पे देखते थे सीन है ये। अभी एक और छोटा सा विलेज आया है और इसका नाम है पान द्रास, और द्रास जो है वो आगे है कम से कम 14 किलोमीटर आगे। ये देखो भाई कितने खतरनाक वाले डला। मुझे ये बोर्ड दिखा, यहाँ से कहीं बालू वालू आता होगा नीचे से, बताने कहाँ से ऊपर से, और कोई भी नहीं है इस रास्ते पे भी। मेरे दोस्त एक आगे हैं एक पीछे है, निकलता हूँ यार पता लगे यहाँ पे आ जाए। भाई अभी बोतल में पानी खत्म हो गया था, और यहाँ पे ये दिखा वाटरफॉल, इसका यहाँ से पानी भरूंगा। भाई साफ पानी है, बहुत ठंडा है भाई। देखो सामने की तरफ बालू गया है, अभी अभी जस्ट रोड क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ। भाई साहब मैंने तो अपनी साइकिल यहीं रोक ली थी।
तेज लेके जाने पड़ेगी। वो रहा भाई साहब, वो रहा, वो जा रहा, देखो ये रहा, भागो भाई। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ द्रास में, और द्रास तक का पहुंचने का था वैसे आज तो। और इधर आप जो ये ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े घर देख रहे हो छोटे छोटे, ये द्रास है पूरा। अभी 2 ही बजे हैं, मैं सोचा था द्रास में स्टे करेंगे, बट अभी और चलेंगे यार, शाम को 6 बजे तक कम से कम ढूंढेंगे स्टे करने का। ये द्रास की कुछ मार्केट है, दिल्ली। मोहित यात्री, कौन से क्लास में हो? थर्ड में। मोहित यात्री, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अच्छा यहीं पे। मैं भी इधर रुका था, इन बच्चों ने रुक लिया था, बोले कहाँ से हो आप लोग? साइकिल चला गए थे, कैसा लगा भाई साइकिल चला गए? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा, बहुत भारी है साइकिल। इसको लेके जो जिला नहीं भाई नहीं चला सकता। कारगिल वॉर मेमोरियल के पास, और अभी सामने की तरफ है इसका गेट, आपको अंदर चल के दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे अंदर कुछ सीन है जो कि भाई दिल को छू जाएंगे आपके। तो चलते हैं अभी अंदर, ये रहा इसका मेन गेट। भाई अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, और जो ये कारगिल वॉर मेमोरियल है इसके अंदर मैं जस्ट खड़ा हूँ। आपको पता है 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो वॉर है पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हुआ था वो 26 जुलाई को ही ख़त्म हुआ था, और ये 2 महीने चला था ये युद्ध। और भारत जो अपना भारत देश है, जो अपनी भारतीय सेना है ना, पाकिस्तान वालों को खदेड़ दिया था भाई, और ये युद्ध 26 जुलाई 1999 में हुआ था, ख़त्म हो चुका था, इसलिए ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। मैं यहाँ के बाकी मैं यहाँ पे आपको इसके अंदर के वो दिखाता हूँ जो इसके मेमोरियल है, वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना बैटल ऑफ पीटी, तो ये दुश्मनों के सामने 23,259 गोले छोड़े गए थे सिर्फ एक बारी में, और वैसे टोटल 44,000 गोले ये छोड़ सकता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारी वीर भूमि है, और इतने सारे जवान यहाँ पे शहीद हुए थे भाई, ये देख लो यार आप। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये अमर ज्वाला है, ये देखो। और ये जो आप देख रहे हो इसमें उन जवानों के नाम हैं जो 559 जवान हमारे शहीद हुए थे, ये उनके बैचेज हैं जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ा था। ये जो आप प्लेन देख रहे हो ना, ये पाकिस्तानी प्लेन है, और अब तो अपने पास बहुत बड़े बड़े आ चुके हैं, इससे भी ज़्यादा बहुत बढ़िया, बट उनका जो यूज़ किया प्लेन वो यहाँ पर रखा हुआ है जो कारगिल वॉर में यूज़ किया हो गया था। जितने भी आप ये तो देख रहे हो ना, ये सब उन्होंने यूज़ किया था, वो यहाँ पे रखा हुआ है उनको सबको। और भाई अभी उधर नहीं जा सकता, वो आप पाकिस्तान का बंकर जो देख रहे हो ना, वो कारगिल जंग में यूज़ किया गया था,
और वो ऐसा वो इसलिए यूज़ किया गया था मतलब चोटियों पे -40 डिग्री बर्फ़ चली जाती है, -30 उसके अंदर ठंड नहीं आती, इसलिए उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। भाई ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, थोड़ा बहुत मैंने पूछ के रिकॉर्ड कर लिया है। और जो अंदर एक गैलरी जो फ़ोटो थी वहाँ पे जवानों की, अपने बहुत सारी चीज़ें थी पाकिस्तानों के वेपन्स जो यूज़ किए हुए वो भी अभी यहीं पे रखे हुए हैं, और बम वगैरह जो भी जो मतलब जो जो चीज़ें यूज़ किया पाकिस्तान वालों ने वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो चीज़ कैप्चर करना अलाउड नहीं था और ना मैंने किया। तो ये था कारगिल वॉर मेमोरियल, आपने देख लिया होगा। तो अभी चलते हैं अभी बाहर की तरफ, चले भाई आ जाओ। अभी यहाँ पे मैं कारगिल वॉर मेमोरियल से बाहर आ चुका हूँ और अभी निकलता हूँ यार आगे की तरफ, क्योंकि स्टे करने के लिए जगह भी ढूंढ रही है। अभी 4:30 का वक्त हो चुका है और निकालता हूँ अपनी साइकिल यहाँ से। भाई अभी ले लिए चावल वगैरह और ये मसाले मिर्ची, आज बनाऊंगा मैं चावल, देखता हूँ बनाने नहीं आते फिर भी बनाऊंगा मैं, कैसे बनते हैं। निकल चुका हूँ भाई चावल और लेके वहाँ से, और फिलहाल कुछ इस जगह टेंट लगाया है हमने, और ये है यहाँ का व्यू, क्योंकि जगह नहीं मिली यार रहने को। उस तरफ रिवर देख रहे होंगे आप, वो जो रिवर है, और आज हम खुदिंग कह रहा हूँ, और आज हम खुद कुकिंग करेंगे, और ये रहा कुकिंग का सारा सामान, और बस भाई लोग प्याज वगैरह काटेंगे और तुम्हारा भाई छोकेगा चावल, बढ़िया वाले चावल बनाऊँगा भाई, बनाने तो नहीं आते फिर भी मस्त बना दूँगा। और भाई किशोर भाई ने काट दिया प्याज, और ये आकर्ष भाई काटेंगे आलू, और मेरा काम है सिर्फ चावल बनाना। भाई ये पता नहीं कैसे लाल आलू आ गए इधर, लाल आलू आते होंगे शायद, और इधर कोई बच्चे आ गए इधर सारे, किशोर भाई इनको व्लॉगिंग सिखा रहे हैं कि ऐसे व्लॉग करते हैं। उसका शक्ल देखो उसकी, कैमरा पकड़ रहा है अभी और प्याज काटने ना। हाँ भाई आता है कैमरा चलाना आता होगा भाई, वाह यार फोटोग्राफर है भाई तू तो अरे भाई नहीं तो सीख जाएगा ये समझ लो लोड पर रहा हूँ पकड़ कुछ। हाँ भाई वजन लग रहा है कुछ वजन लग रहा है इसको देखना पकड़। भाई ये आलू कट रहे हैं, प्याज तो कट चुकी हैं, भाई मैं काट रहा हूँ ठीक है। हाँ हाँ तुम्हारा नाम ले दिया तो गैस चलो गैस चलो गैस चलो। प्याज तो मैंने काटी है भाई, जल गया। ये यहाँ पर मोहित भाई देखो चावल धो रहे हैं, और ये पीछे प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं हमको, उत्सुकता वश देख रहे हैं, क्यूरियोसिटी है देखो बच्चों में, बच्चे सीख रहे हैं चावल बनाना। और यहाँ मोहित भाई ये धो रहे हैं चावल, किशोर भाई उधर आलू काट रहे हैं, लाल आलू कश्मीरी आलू लद्दाखी आलू। हाँ भाई मैगी खा रहा है, बग्या बग्या। ये धुल चुके हैं चावल, अब पकेंगे फिर छींटे आ गए ना, देखो संभल के। तो अगर आपको ये 18 साल का लड़का है सामने, ये खाना भी बना सकता है, ये साइकिल भी बढ़िया चलाता है, इनके लिए एक वधु की तलाश है। तो हुनर देखो आप कितना है, आज चावल बना रहा है ये, तो पूरा माहिर है। आपसे हमारे सब्सक्राइबर से विनती है, एक प्यारी सी सुंदर सी कन्या, ये देखो चावल डाल दिए, छोक लग गया है, ओ पीछे देखो बच्चे को। तो दोस्तों ये बन गए हैं हमारे चावल, अभी बने नहीं है, अभी बनने के लिए रेडी हैं। हाँ ये है, कुछ मसाला डाल दिया, खुशबू आ रही है ना बढ़िया। हाँ जी मास्टर शेफ मोहित डबल एम, ये जल्दी ही स्टार प्लस वाले जो संजीव कपूर के साथ आएंगे, राजीव कपूर संजीव कपूर नाम पता नहीं, इनको बुलाने वाले हैं। भाई पानी गया, ये पानी डूल चुका है, पानी डूल चुका है। और नंदू तू क्या देख रहा है भाई, ढकने का नहीं है यार, ढकने का होता ना बढ़िया बन जाता है, और हाँ बड़ा चीज है। हाँ
भाई ये देखो यहाँ पे बर्तन छोटा पड़ गया, और कुछ बात नहीं, ये पानी थोड़ा गिर रहा है साइड से, ये देखो देखता हूँ कितनी देर में बनेंगे यार। भाई चावल तो बन गए, हलवा भी बन गया शायद इनका। मैं कह रहा चावल तो बन गया, हलवा भी बन गया इनका। हाँ हाँ कोई नहीं यार, ठीक तो है यार। यार मेरे को तेरे कच्चे से लग रहे भाई, तो कच्चे खाएंगे क्या भाई? क्या डाला भाई? देख रहे हो यार, अरे यार थोड़े बहुत यार बर्तन छोटा था ना, कोई नहीं यही खाते, यहीं पे बैठ के खा लेंगे, कोई नहीं भाई खाते हैं। भाई अभी आ चुका हूँ टेंट के अंदर, और स्लीपिंग बैग वगैरह सब हमने खोल लिया है, और चावल बढ़िया बने थे, बट थोड़े कच्चे चावल थे यार। कोई नहीं, कच्चे चावल भी खा लिए हमने तीनों ने मिलके, बट चावल बढ़िया बने थे। कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होना चाहिए यार, ये मोड भी आएगा तभी पता चलेगा। कोई नहीं, कच्चे चावल खा लिए, और आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू ना सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।